हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर पीएम मैम. सो कल मुझे इंस्टाग्राम पे वन ऑफ माय फीमेल स्टूडेंट्स, यू नो, शी मैसेज मी अबाउट दैट जो मेंस्ट्रुअल फेस है, इट इज़ फॉलिंग नियर 17th या ऑन 17th, एंड शी वाज लाइक लिटिल वरीड अबाउट द थिंग्स एंड शी हैड सम डाउट्स. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, एंड ऐसा वीडियो जो सभी की हेल्प कर पाए, क्योंकि ये डाउट्स किसी ना किसी को होगा ही होगा. तो अगर आप में से कोई भी मेरी ऐसी फ़ीमेल स्टूडेंट है जो नीट 22 में देने वाली है, 17 जुलाई को देने वाली है, और उनका जो मेंस्ट्रुअल फेस है, यानी कि जो डेट्स है पीरियड्स की, दैट इज़ ऑन 17th जुलाई, और उस टाइम अगर वो फेस चल रहा है या उसके बाद में है, तो देन दिस वीडियो इज़ परफेक्टली फॉर यू. एंड अगर कोई मेल एस्पिरेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विथ योर फीमेल फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, सो दैट दे कैन बी हेल्प्ड आउट बाय दिस वीडियो. तो सबसे पहले तो ऐसा है कि ठीक है, इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, पर अगर उसी टाइम पर है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड. तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि आप सैनिटरी नैपकिन्स ले जा सकते या नहीं ले जा सकते, तो यू कैन डेफिनेटली कैरी अ सैनिटरी नैपकिन, ठीक है. पर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी. लाइक सी, सबसे पहले कि अगर आपके पीरियड्स 17 जुलाई को हैं, तो जब आप घर से जा रहे हो, अगर आपका घर बहुत पास में है, तो लाइक ट्राई करना कि निकलते टाइम आप आपका पैड चेंज करें, एंड वंस यू रीच द सेंटर, है ना, लोकेट कर लो वॉशरूम, ताकि आपके लिए बाद में कभी एग्ज़ाम के बीच में इफ़ यू हैव द अर्ज ऑफ गोइंग टू वॉशरूम, आपको इजीली आप जा पाए एंड आपका टाइम बच पाए. अगर किसी का घर और सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, देन आपको इमीडिएटली क्या करना है, सेंटर पर जाना है, वॉशरूम लोकेट करना है, एंड यू नो यू शुड चेंज योर पैड देन एंड देयर, ताकि जो पूरा 3 घंटे यानी कि 3 hours 20 minutes का जो आपका एग्जामिनेशन का स्लॉट है, उसके बीच में आपको लाइक कोई परेशानी ना हो, एंड आप कंफर्टेबल रहें, एंड आपको मतलब वॉशरूम अगर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप नहीं जाएं. दूसरी बात ये है कि लाइक आई विल सजेस्ट यू टू वेयर डार्क क्लोथ्स, प्रेफर वेयरिंग डार्क क्लोथ्स लाइक डार्क यू नो ट्राउज़र और लोअर. इससे क्या होगा कि साइकोलॉजिकली आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे कि इन केस कुछ लीकेज है या स्टेन्स है, नहीं होंगे, तो आप बहुत एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, आप बढ़िया तरीके से अपना पेपर दे पाएंगे. एंड यू कैन ऑल्सो यू नो कंसिडर वेयरिंग अ लॉन्ग टॉप, है ना, ताकि उसमें बढ़िया आपको कंफर्टेबल फील हो. अगर आपको डिसमेनोरिया है, लाइक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, तो जो भी आप मेडिसिन लेके जा रहे हैं उसको डेफिनेटली कैरी करके जाइए, बिकॉज उस दौरान ऐसा ना हो कि पेन की वजह से आप पेपर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए. आपको भी पता है कि नीट के एग्जामिनेशन में अब एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करना बिल्कुल अलाउड है. तो आई विल सजेस्ट ऑल माई फीमेल नीट 22 एस्पिरेंट्स कि आप एक ग्लूकोज या फिर फ्रूट जूस कैरी करके ले जाएं, बिकॉज ऐसे में है कि एग्ज़ाम का पहली स्ट्रेस है, ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड इस केस में थोड़ा भी मतलब ऐसा ना हो कि चक्कर आए या वीक फील हो, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ, तो ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएँ. मैंने एक और चीज़ बतानी थी फीमेल एस्पिरेंट्स को कि एक्चुअल में जब क्या होता है कि आप नीट सेंटर पे जाते हैं, फीमेल कुछ आपकी फ्रिस्किंग करती हैं, तो दे हैव सम मेटल डिटेक्टर्स. तो इन केस यू आर हैविंग और यू आर वेयरिंग एन इनर जिसमें यू नो मेटल है ना फॉर एडजस्टमेंट, वो मेटल हुक है, तो वो मेटल से डिटेक्ट होता है. वैसे बहुत सारे सेंटर्स पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हम 1% चांस भी क्यों लें कि ये बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट करे. तो एक आप ऐसी इनरवेयर पहनना जिसमें मेटल एडजस्टमेंट नहीं हो, या फिर यू कैन गो फॉर अ स्पोर्ट्स ब्रा. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती थी. एंड यू कैन लाइक डेफिनेटली कैरी अ सैनिटरी पैड, एंड यू नो यू कैन वेयर अ यू नो बिगर और अ बेटर वन, जिसमें मतलब बिल्कुल आप श्योर रहें कि लीक नहीं होगा एंड आपको कंफर्टेबल फील होगा. एंड अगर किसी के डेट्स जो हैं नीट के बाद फॉल कर रहे हैं, जैसे 17th को है पर योर डेट इन समवेयर नियर 18-19 ऑल्सो, देन ऑल्सो यू शुड कैरी वन, तो आपकी हेल्प करेगा. अगर आपकी नहीं भी करता है तो किसी और की हेल्प कर पाओगे. एंड अगर आपको लग रहा है लाइक यू नो इन द मॉर्निंग और वन डे बिफोर कि डेट्स आ सकते हैं, तो यू कैन ऑलरेडी गो एंड वेयर वन, बिकॉज इससे क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तो ये ट्रिगर इवेंट्स होते हैं, इससे जो मेंसेस होते हैं ये प्रीपोन हो जाते हैं. तो ये जो कुछ बातें थी मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, अपनी फीमेल फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना, एंड बिल्कुल टेंशन फ्री जाना, है ना. वहाँ पे डेफिनेटली स्टाफ, फीमेल स्टाफ रहता है, ये वो बड़ा हेल्पिंग रहता है. ये सारी चीज़ अगर ध्यान में रखोगे, आपको किसी की भी हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद ही में सेल्फ सफिशिएंट रहोगे, कम्फर्टेबल फील करोगे और अपना काम बढ़िया से करोगे. तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 22.